आज हम लोग तीसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं करियर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और इसमें आज टॉपिक है इंट्रिंसिक मटेरियल और डोपिंग। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डोपिंग से ही आप किसी भी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, अदरवाइज वो सेमीकंडक्टर सेम रहेगा, इंट्रिंसिक रहेगा। तो पहले हम समझते हैं इंट्रिंसिक मटेरियल क्या होता है। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है, जैसे आप खुद भी मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं, प्योर, उसमें कोई भी आउटर इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्योर प्रॉपर्टी है, आपने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है। इन जनरल इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन होता है रूम टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं 10^10। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स क्यों बराबर होते हैं ये भी हमें समझने की जरूरत है इंट्रिंसिक के केस में। तो ये हम बात कर रहे हैं T=0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे क्या है, नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, मींस नो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि T=0 केल्विन पे एनर्जी कितनी है, थर्मल एनर्जी 0, ये टी इन केल्विन है, ठीक है, ये बोल्टमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी अवेलेबल है, 0, और चाहिए एनर्जी कितनी किसी भी इस इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करने के लिए, कितनी एनर्जी चाहिए, बैंड गैप के बराबर, मटेरियल का जितना बैंड गैप है। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी कहां से आएगी, नहीं है, 0 केल्विन पे 0 एनर्जी है यहाँ पे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पाएगा। बट हम क्या कंडीशन लेते हैं, चलो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और ये इंट्रिंसिक मटेरियल है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुंच गया, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुंच गया क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। तो अब यहां से समझो, इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री है, यहां पे बहुत सारी एम्प्टी स्टेट्स है, ठीक है, बहुत सारी एम्प्टी स्टेट्स है, बट यहां पे एक भी कैरियर मूव करने के लिए था। अब एक कैरियर आ गया है जो कि अब बहुत सारी जगह मूव कर सकता है, ठीक है, कहीं भी यहां जाएगा फिर यहाँ, और जैसे दो हो जाएंगे चार हो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत सारे अवेलेबल प्लेस है। तो एक जो मैं ऑलरेडी एक बार डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो हम इनकी बात क्यों नहीं करते, ये होल्स की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, ये 10^20 के टर्म्स में हो सकते हैं। अगर इनके टर्म में बात करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, होल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यहाँ होल होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक प्रॉपर तरीका है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो चीजें कम है। कंडक्शन बैंड में हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, मैं बता चुका हूं एक बार, लेकिन तब एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। और होल्स की बात करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम इनको, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये होल यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ आ सकता है, फिर ये यहाँ आ सकता है, मतलब ये इधर को मूव करेगा होल और इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे। तो यहाँ पे होल की बात हम कहाँ करते हैं, बैलेंस बैंड में, ठीक है। और जितने भी जैसे एक यहां से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप किया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा यहां जंप करेगा तो यहाँ पे दूसरा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। सपोज यहां से जंप किया तो यहाँ एक होल हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ एक होल हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं और यहाँ पे 10 फ्री होल हो जा रहे हैं। तो ऑलवेज, क्योंकि और कहीं से एडिशन हो नहीं रहा है, तो जो इंट्रिंसिक मटेरियल होता है, इंट्रिंसिक मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये कंडीशन हरदम ट्रू होती है इंट्रिंसिक मटेरियल में, ध्यान रखिए, इंट्रिंसिक मटेरियल में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ओके, तो हमें डोपिंग चाहिए क्यों, डोपिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए कैरियर कंसंट्रेशन के ऊपर, हम अपने तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ा सकें। जब हमें चाहिए इस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो हम उसकी डोपिंग उस तरीके से कर सकें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने बुलेट पॉइंट में, द नंबर ऑफ कैरियर इज लिमिटेड टू Ni, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को हम क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ कैरियर एट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो दोनों Ni के बराबर होते हैं। तो Ni फिक्स है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, ठीक है, आप इसमें कुछ वेरिएशन नहीं कर सकते। और बहुत सारे मतलब मैक्सिमम मटेरियल के लिए ये बहुत ज्यादा कैरियर कंसंट्रेशन नहीं है, इतने कैरियर 10^10 मतलब बहुत कम कैरियर कंसंट्रेशन है, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है डिवाइस में
और ये बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होगी डिवाइस अगर हम इंट्रिंसिक ही यूज करेंगे। कहीं कहीं यूजफुल होगी बट एज ए इंट्रिंसिक डिवाइस आप बहुत सारी जगह नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ कैरियर्स ऐड करें हम क्रिस्टल को मॉडिफाई करके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग ऑफ द क्रिस्टल, इसी को हम कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मैक्सिमम केसेस जो डिस्कस करेंगे वो सिलिकन के लिए करेंगे और वो सभी जगह एप्लीकेबल है। तो डोपेंट इन सिलिकन क्या हो सकता है? तो सिलिकन कहां पे है? यहां पे। ये कौन सा कॉलम है? फोर्थ कॉलम, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट रिप्लेस कर दो, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, फास्फोरस से रिप्लेस कर दो अगर एक सिलिकन का एटम, तो ये फास्फोरस में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पांच। तो अगर चार वाला एलिमेंट अगर पांच से रिप्लेस कर दोगे तो आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे? पांच। चार तो बॉन्ड हो जाएगा, एक फ्री रह जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते। ये भी बॉन्डेड है इस एटम के साथ, बट इन इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ये इतना ज्यादा बॉन्डेड नहीं है, ठीक है? तो ये आसानी से फ्री हो सकता है, तो यही डोपिंग होती है। अगर बोरॉन से कर दोगे, बोरॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं? तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक एटम है, तीन इलेक्ट्रॉन आपने बोरॉन के पास है, तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकन का वो बॉन्ड करना चाह रहा है, बट यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, वैकेंसी है, मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसको क्या कह दोगे आप? होल। तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट में कैसे हम डोपेंट और मतलब डोनर और एक्सेप्टर ढूंढते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा एन टाइप मटेरियल बनाएगा, ये पी टाइप मटेरियल, हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहले सिलिकन एटम क्या होता है? फोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर शेयरिंग इन आउटर सेल ऑफ एटम, ओके? तो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ठीक है? अब दूसरा एक और एटम है, इसके पास भी चार हैं। अगर दोनों बॉन्डेड बॉन्ड कर लें तो एक इसने इससे शेयर कर लिया, इसने अपना इसके साथ शेयर कर लिया, तो एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही है। ऐसे ही इसने अपने किसी और के साथ, अपने किसी और के साथ, अब ऐसी करके इसने अपने चार शेयर कर लिए, इसने अपने चार कर लिए, तो सभी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में उन्हें कैसे फील हो रहा है कि जैसे आठ इलेक्ट्रॉन हो, वो स्टेबल बिहेव कर रहे हैं। अब डोनर डोपिंग का मतलब क्या होता है? जो डोनेट करे, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही डोनेट करेगा। तो फास्फोरस जो हमारा सिलिकन के नेक्स्ट कॉलम है वो पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो ठीक है, फास्फोरस नाइट्रोजन गैस है तो उससे डोपिंग तो करेंगे नहीं आप, फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, इनसे आप डोपिंग कर सकते हैं सिलिकन में डोनर की। तो डोनर डोपिंग मतलब ये डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। आप कैसे करेगा? तो ये सब सिलिकन एटम है और ये चार चार से बॉन्ड है, अगर इस सिलिकन एटम को मैं रिप्लेस कर दूं इस फास्फोरस एटम से तो यहां पे क्या होगा देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे ही मैंने ये रिप्लेस किया तो चार तो आउटर मोस्ट, चार बॉन्ड तो सिलिकन से बॉन्डेड हो गए, एक बॉन्ड इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जो किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए? अगर ऐसे आप एनालॉजी समझो, ये इलेक्ट्रॉन भी पकड़े हुए, ये एटम भी पकड़े हुए, ये एटम भी पकड़े हुए, तो ये इसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? अगर याद हो बैंड गैप के बराबर, तो सिलिकन के केस में कितनी चाहिए? 1.12। बट इसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये बोहर का जो फॉर्मूला होता है वहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अराउंड 0.1 या 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये खाली फास्फोरस से जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको ब्रेक करने के लिए 1.12 चाहिए, ठीक है? ये समझिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम हमें से कैसे दिखाएं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट, अभी इलेक्ट्रॉन जैसे ब्रेक हुआ तो वो कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये इसके पास कितने प्रोटॉन है? इसके पास कितने प्रोटॉन है? पांच। इलेक्ट्रॉन भी पांच थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। बट ये रीजन मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये एटम है, एटम थोड़ी ना मूव कर सकता है, एटम तो वहीं फिक्स रहेगा, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जब ये यहां आएगा तो ये रीजन कितना हो जाएगा? इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, धीमे धीमे ये यहां आ गया तो यहाँ पे एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गया, दिस रीजन कैन मूव ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां जाए यहां जाएगा तो ये रीजन यहां पहुंच गया, यहां जाएगा तो यहां पहुंच गया। तो बट
ओवरऑल पूरा मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है। ओवरऑल मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि यहां पे पांच एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों को जोड़ो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे, तो मटेरियल न्यूट्रल रहना ही चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आयनाइज डोनर कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको भी समझ लेते हैं, टर्मिनोलॉजी है। कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट, तो डोपेंट कितना है, एनडी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सिलिकॉन एटम है 10^22 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने ये सिलिकॉन एटम तो आपने एनडी जो डोनर एटम है 10^22 तो आप डाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो फिर सिलिकॉन एटम सिलिकॉन रहेगा ही नहीं, सिलिकॉन जो मटेरियल है, सिलिकॉन मटेरियल जो है उसमें इतने एटम है 10^22 पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप 10^22 पर सेंटीमीटर क्यूब डाल दोगे तो वो सिलिकॉन ही रहेगा, तो वो पूरा फॉस्फोरस हो जाएगा, तो इतना आप मिक्सिंग करने से, तो इसकी लिमिट होती है, सोलबिलिटी लिमिट कहते हैं या डोपिंग लिमिट कह सकते हैं, तो सर्टेन अमाउंट रहेगा पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ये डोनर था, इससे ये इलेक्ट्रॉन अटैच है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको ब्रेक करने के लिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए, अगर मान लो T=0 केल्विन पे बात कर रहे हैं तो एक भी ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि जीरो एनर्जी होगी, लेकिन जैसी सफिशियंट एनर्जी मिल जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड डोनर्स, जो नहीं कि हरदम आयनाइज्ड टोटल जो भी डोनर्स हैं वो आयनाइज्ड हो जाएं, बट जनरली थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी क्योंकि बहुत कम एनर्जी है, तो अगर रूम टेम्परेचर बात करेंगे तो सब आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो अब एक चीज हमें समझनी है, N=2 क्या था अभी तक, Ni इंट्रिंसिक में, ठीक है, बट डोनर आपने ऐड कर दिए, सब N=2 Ni सिलिकॉन के केस में था 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे 10^10 था, ठीक है, आपने ऐड कर दिए सपोज 10^16, ज्यादा ऐड करेंगे तभी तो डोनरिंग डोनर डालने का मतलब है, नहीं तो क्या उसका यूज है, 10^16 तो रूम टेम्परेचर पे ये पूरे 10^16 आयनाइज हो गए, और यहां इंट्रिंसिक कितने आयनाइज हुए, ये बॉन्ड कितने ब्रेक हुए, 10^10, और डोनर ने कितने दिए, 10^16, तो एन टोटल कितना होगा, एन टोटल 10^16 प्लस 10^10, 10^10 इन कंपैरिजन टू 10^16 और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये बहुत ज्यादा है, तो एन टोटल कितना हो जाएगा, एन टोटल इक्वल टू 10^16, तो वो यहां पे यही लिखा हुआ है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कितना हो जाएगा, डोनर के बराबर ही हो जाता है थोड़ा भी टेम्परेचर अगर रहेगा, तो N=ND जितने भी आयनाइज होंगे प्लस Ni, बट ND+ के कंपैरिजन में Ni बहुत कम है, तो N=2 क्या हो जाएगा, ND+। ओके, ये चीज समझ में आई, एनएच डोनर। अब हम देखते हैं बैंड व्यू, तो पूरा बैंड गैप कितना है, 1.1, और ये एनर्जी ब्रेक करने के लिए 0.05 भी हो सकती है, 0.1, 0.2 भी हो सकती है, यहां पे लिया हुआ है हमने 0.05 एनर्जी ही चाहिए, जो फास्फोरस एटम था उसके साथ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां पे बैलेंस बैंड रखा हुआ है, तो बैलेंस बैंड से जंप करने के लिए 1.1 चाहिए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1.1 चाहिए, और इसके लिए 0.05 चाहिए, तो 0.05 कहां रखोगे, कंडक्शन बैंड से नीचे ही 0.05 रखोगे, एनर्जी नीचे ही ये लेवल आना चाहिए डोनर का, तो ये डोनर है, ठीक है, न्यूट्रल डोनर, जब वो आयनाइज नहीं हुआ है, और जैसे ही आयनाइज हुआ है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तभी तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा और तभी वो आयनाइज डोनर कहलाएगा। तो इस केस में हमने क्या लिया है, डोनर कंसंट्रेशन 10^18 लिया है, और मान रहे हैं कि सभी आयनाइज्ड हो गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Nd+, ओके, उसी के बराबर हो जाएगा, और Nd कहां से कहां हो सकता है, 10^14 से 10^20, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5×10^22, तो 22 के बराबर नहीं हो सकता, उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टर डोपिंग, एक्सेप्टर डोपिंग का मतलब क्या है, जो सिलिकॉन का फोर्थ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इन सब के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप किसी सिलिकॉन एटम को इससे रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी, बची रहेगी, ठीक है। अभी तो सब कुछ न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ वैकेंसी है, कोई भी कहीं से मूव करके नहीं आ रहा। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन, ठीक है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3 ही है, वो तो बॉन्डिंग कर रहा है, वो बात अलग है। इनके पास 4 है तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 है, तो सभी सब कुछ इस रीजन में भी न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम होल मूवमेंट देखते हैं कैसे होता है। अभी भी सब न्यूट्रल है, यहां पे एक वैकेंसी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करना चाह रहा है बट इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसे बॉन्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। बट यहां से और कहीं से इलेक्ट्रॉन आके मूव करके यहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सपोज यहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? या प्रोटॉन कितने थे? 3 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, और ये बॉन्डिंग हो गई। और यहां पे कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे? 4 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 4, अब कितने रह गए? 3। तो इसने एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और यहां पे वो उसने बॉन्ड कर लिया, ठीक है। तो वही लॉजिक है कि सपोज वो धीमे धीमे यहां मूव करता हुआ वो यहां आ गया होल, यहां से ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन यहां गया। सिंपली मीन्स है वो होल, इसको कह रहे हैं इस पोजिशन को जो पहली थी, वो होल यहां आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? इसके पास 3 प्रोटॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन हो गया नेगेटिव और ये रीजन तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये एटम है। और यहां पे कितने, जितने भी मान लो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और पहले 4 ही प्रोटॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन की वजह से ये क्या रीजन हो गया? पॉजिटिव। लेकिन ये रीजन मूव कर सकता है क्योंकि होल यहां से ब्रेक करके होल यहां आ जाए तो ये रीजन वेकेंट हो जाएगा, यहां पे होल आ जाएगा, पॉजिटिव इसको कहते हैं होल को, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है? पॉजिटिव चार्ज होल कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल, ऑब्वियसली मूव कर सकता है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जंप कर रहे हैं एटम टू एटम। बट हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें उससे बेटर है हम उसको नाम दे देते हैं होल, होल जंप कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनएच एक्सेप्टर केस में जब वो टोटल जितनी आपने डोपिंग की है एक्सेप्टर की, वो एनए सिमिलर टू डोनर ही है सब कुछ, और जितने आयनाइज्ड हो गए मतलब जिसने होल ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया होल दे दिया है, वो एनए माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है एक एक्स्ट्रा, तो इसको माइनस कहते हैं। वहां पे वो डोनेट करता रहता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो सिमिलर टू डोनर हो जाएगा कि जो होल कंसंट्रेशन वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग समझ में आ रहा है ना, जैसे नंबर ऑफ होल्स किसके बराबर होता है? वैसे पी के बराबर, पी किसके बराबर होता है? एनआई, इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं मैं। ये कितना होता है? 10^10, बट इन केस में हम कितना लेते हैं? 10^16 या 17, तो पी कितना हो जाएगा? एनए माइनस प्लस पी आई कह लो इसको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जितना था, तो 10^16 प्लस 10^10 ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? 10^16 जब हम बात करेंगे एक्सेप्टर की डोपिंग की, ठीक है। एनर्जी बैंड भी ले लेते हैं, तो एक्सेप्टर जब न्यूट्रल है, जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट कर रहा है? वो बैलेंस, यहां से बैलेंस बैंड से, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे ये न्यूट्रल था सपोज, जैसे ये यहां से यहां जंप करेगा तो यहां तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये यहां पे होल हो जाएगा, ठीक है। तो जब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एक्सेप्टर, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो आयनाइज्ड एक्सेप्टर। इसमें एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कितना लिया है? सेम माना है कि अपने 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है बैलेंस बैंड के, ऊपर है थोड़ा, और एनए कंसंट्रेशन एक्सेप्टर कंसंट्रेशन 10^18, तो एट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना होता है? 10^10, तो 10^18 10^10 से बहुत ज्यादा है, तो रूम टेम्परेचर पे होल कंसंट्रेशन कितना होगा? 10^18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना होगा? 10^10 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जंप किए हैं वो तो 10^10 ही पहुंचे हैं, बट होल बढ़ गए क्योंकि होल को आसान, इलेक्ट्रॉन यहां भी जंप कर पा रहे हैं और कुछ यहां कर रहे हैं, जो यहां कर रहे हैं वो तो 10^10 ही है, जो यहां कर रहे हैं वो इसमें तो ऐड हो नहीं रहे कंडक्शन बैंड में, वो यहां ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम समराइज करते हैं अपना लेक्चर कि हम लोग डोपिंग करने के लिए कुछ एटम हम रिप्लेस कर देते हैं पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट कॉलम से, ठीक है। एनएच डोपेंट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड और होल एंड बैलेंस बैंड। वो डोपेंट कैन बी एनर्जेटिकली शैलो और डीप, शैलो और डीप का मतलब है कि जब आयनाइजेशन उसका यहाँ पे हो और अंदर हो, जैसे उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए
ब्रेक करने के लिए बॉन्ड, सपोज यहाँ पे 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और यहाँ पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जो 0.05 वाला है उसको शैलो कहेंगे और 0.6 वाले को हम डीप कहेंगे, ठीक है। अब जो कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे।